and on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा हॉल। गाइस, मैंने कुछ दिनों पहले मिंत्रा से कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे एंड मुझे अभी मेरे सारे कपड़े मिल चुके हैं। मैंने उन्हें ट्राई भी किया है, मैंने उन्हें पहना भी है एक दो दिन। सो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं सारे के सारे कपड़े। फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब मैं आपको एक एक करके मेरे सारे कपड़े दिखाऊंगी जो कि मैंने ऑर्डर किए थे मिंत्रा से। सो यस गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये क्रॉप टॉप जो कि मैंने पहन रखा है। गाइस, मुझे ये बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसका जो कलर है वो है लेवेंडर एंड इसका कलर देखते ही मैंने इसे अपने कार्ट में ऐड कर लिया था बिकॉज मुझे लेवेंडर कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके बाद अगर बात करें इसके फैब्रिक की तो इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है। कपड़ा मतलब ज़्यादा ही नहीं कह सकते कि कंफर्टेबल है, बट हाँ उतना भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है कि हम आप इसे समर के टाइम में वेयर नहीं कर सकते। एंड गाइज, इसमें एक बहुत ही प्यारा सा कट डिज़ाइन है, एक बहुत ही प्यारा सा लुक आता है एंड इसका जो प्राइस है वो आपको 300 से 400 के बीच में आता है। इस टॉप को मैं दूंगी 4 out of 5। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये टी शर्ट जिसका कलर एकदम लाइट पिंकिश, यू कैन से टीवी पिंक कलर का है एंड इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन। एंड गाइस, इस पे बस आगे से एक स्ट्रिप प्रिंट बना हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिक सा बेबी पिंक कलर का टी शर्ट है। एंड गाइज, ये बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर आप इसे डेनिम्स के साथ पहनते हो। इसे भी मैं दूंगी 4 out of 5। जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये टी शर्ट। ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है शी नीडेड अ हीरो दैट व्हाट शी बिकेम एंड मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा इसलिए मैंने इसे बाय किया है। इसका जो कलर है वो है पिंक, आप जैसा कि देख ही सकते हो। एंड गाइज, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसा ही सेम टू सेम मेरी दीदी के पास भी था बट उस पर बेसिक लिखा हुआ था, तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया था। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये टी शर्ट, मैं कहीं भी जाती हूँ तो बस इसे ही पहन के जाती हूँ। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट टी शर्ट है, सो यस, एंड इसे मैं दूंगी 5 out of 5। जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये ओवरसाइज टी शर्ट इन लेवेंडर कलर। गाइज, इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन। मुझे पता नहीं, इसका फैब्रिक बाकी टी शर्ट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। अगर रही बात रेट करने की तो मैं इसे दूंगी 3.5 out of 5। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आता है एथनिक वियर में एंड ये है एक एथनिक ट्यूनिक। एंड गाइस, ये है ब्लैक कलर में, ये है प्योर कॉटन फैब्रिक में। एंड गाइस, इसका फ्रंट डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। एक्चुअली ये प्रिंट है बट दूर से देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पर काम करा हुआ है एंड यहाँ पर बस एक थोड़े से सितारे लगाए हुए हैं जो कि बढ़िया लग रहे हैं एंड ये पहनने पे बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे आप डेनिम्स के साथ पहन सकते हो, सलवार के साथ पहन सकते हो और अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया है, इसे मैं दूंगी 5 out of 5। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये डार्क ब्लू कलर का टी शर्ट। ये भी ओवर साइज टी शर्ट है एंड मैंने आपको इसे पहले जो लेवेंडर वाला दिखाया था एंड जो ये टी शर्ट दिखाया है ये मेरी दीदी का है। जितने भी ज़्यादातर क्लोथिंग आइटम्स हैं वो सारे के सारे कॉटन मटेरियल में है। एक्चुअली हमारा क्या है ना कि हम लोग बचपन से ही कॉटन पहनते आ रहे हैं, तो अगर हम कोई और फैब्रिक का कपड़ा पहनते हैं ना तो हमें वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। दैट्स वाई हम लोग जब भी कोई क्लोथ लेते हैं हम ये चेक कर लेते हैं कि वो कॉटन का हो। इसीलिए मैं इसे लेने से पहले भी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी बट ये उतना भी ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं है। एक्चुअली हमने कभी ट्राई ही नहीं किया इसलिए हमें सारी चीज़ें पहले से ही अनकंफर्टेबल लगती है। तो अब बात करते हैं इस टी शर्ट की। तो ये टी शर्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 300 to 500 के बीच में आपको मिल जाएगा। इसे मैं दूंगी कितना देना चाहिए इसे, 4 out of 5। सो गाइज, अभी तो मैंने आपको दिखा दिए टॉप वियर्स, अब हम आपको दिखाएंगे बॉटम्स। सो गाइज, बॉटम में मेरे पास है सबसे पहले ये वाइट डेनिम। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था, एंड मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ बिकॉज ये वाइट कलर का है। इवन अभी भी इसमें गंदा लगा हुआ है,
उधर से, मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ, मुझे वाइट डेनिम बिल्कुल नहीं पसंद यार, तुरंत गंदे हो जाते हैं। एंड ये एक हाई वेस्ट जीन्स है एंड ये स्किनी जीन्स है एक्चुअली। फैब्रिक की बात करें तो मुझे उतना भी कंफर्टेबल फैब्रिक नहीं लगता है इसका, बहुत चिपकू चिपकू सा है, मतलब क्या ही बताऊँ, समर में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करोगे आप इसे पहनने के बाद। मुझे वाइट डेनिम्स नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसे रेट करूँगी 3 out of 5। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू डेनिम एंड ये मेरा मोस्ट फेवरेट बॉटम है। मेरे पास वैसे भी बहुत कम थे, मेरे पास 2 जीन्स थे, एक वाइट और एक ये ब्लू। ये बहुत ही अच्छा जीन्स है, ये है डॉल्स क्रूडो का एंड इसके ये साइड पर ना ये स्ट्रिप्स बनी हुई है कुछ इस तरीके की एंड पहनने पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी एक हाई वेस्ट जीन्स है, ये भी एक स्किनी जीन्स है एंड पहनने पे इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो यस, इसे मैं दूंगी 5 out of 5। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट बॉटम है वो है ये डेनिम, ये है वाइड लेग और यू कैन से स्ट्रेट फिट जीन्स। ये मतलब थोड़ी सी फल्की सी होती है टांगों पर, तो ये कुछ इस टाइप की जीन्स है, बढ़िया लगता है। एंड ये एक्चुअली मेरी दीदी का, ये वाला मैंने और मेरी दीदी ने कुछ सेम टाइप का ही जीन्स ऑर्डर किया है, तो ऐसा ही एक और जीन्स है बट इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, इवन फिट भी है वो डिफरेंट है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो एक्चुअली सच्ची बताओ तो मेरे वाले जीन्स से बहुत ही बढ़िया है। यस, इसे मैं देना चाहूँगी 4.5 out of 5। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये शॉर्ट्स, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही प्यारा लुक आता है इसे पहनने के बाद एंड स्पेशली मैंने इसे इसी लेवेंडर वाले टॉप के साथ पहनने के लिए लिया है। एंड एक्चुअली ये जो लेवेंडर वाला टॉप है ना, ये मेरा बर्थडे ड्रेस और इसे पहन के मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। अब मेरा बर्थडे बहुत टाइम है बट मैंने अभी ख़रीद लिया, तो ये है शॉर्ट्स एंड बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पे, ये बहुत ही क्यूट लुक आता है। एंड बस एक थोड़ी सी दिक्कत क्या है ना कि ये जो है ना इधर से ये थोड़ा ज़्यादा वाइड है, तो कभी कभी ये थोड़ा सा ऑड आउट सा लगता है और कभी कभी ये बैठ जाता है, तो ये थोड़ा सही लगता है। इसमें भी पॉकेट्स हैं एंड ये भी हाई वेस्ट है एक्चुअली, एंड ये भी हाई वेस्ट एक्चुअली, हम लोग हाई वेस्ट ही पहनते, अच्छा लगा बट सच्ची बताओ तो उतना भी कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैं इसे दूंगी 4 out of 5। सो गाइज हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्ट्रेट फिट जीन्स जो कि मेरी है एंड गाइज ये भी हाई वेस्ट है एंड वो वाली भी स्ट्रेट फिट जीन्स हाई वेस्ट ही थी। एंड गाइज इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है वो वाले जीन्स से एंड मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा ये सेकेंड फेवरेट जीन्स है कि फर्स्ट नंबर पे मेरा पुराना ही वाला आएगा। इसका जो प्राइस है वो आई थिंक अफोर्डेबल है फॉर अ स्ट्रेट फिट जीन्स एंड मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा एंड इसे मैं दूंगी 4.5 out of 5। सो गाइज यही थी आज की वीडियो, फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ें नहीं पसंद आई, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी मैंने उसे रिटर्न करके कुछ और ले लिया एंड बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ शेयर करने में कि मैंने क्या क्या बाय किया है मिंत्रा से। आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने में प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक मी एंड माई कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड गाइज अगर आप मुझे कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट बिलो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।